Hey guys, welcome back. तो आज मैं आपको अपडेट देने वाला हूँ फाइनली हमारे उसका फिश टैंक सेटअप का, जिसकी मैं काफी ज्यादा दिनों से बात कर रहा था। एंड इतने दिनों से वीडियो अपलोड इसलिए नहीं हो पा रही थी क्योंकि भाई यहाँ पे था मौसम काफी ज्यादा खराब, एंड जिस वजह से हमारी लाइट जा चुकी थी। एंड इन्वर्टर भी है हमारे घर पे, बट वो एक आध दिन पर ही काम करना बंद कर चुका था क्योंकि काफी ज्यादा बड़े हीटर्स हैं, काफी ज्यादा बड़े यहाँ पे फिल्टर्स हैं हमारे, काफी ज्यादा टैंक्स हैं जैसे कि आपको पता ही होगा। एंड इस तरफ देख सकते हो तो ये है हमारा एक काफी ज्यादा ब्यूटीफुल, और इस तरफ देखें भाई पहले भी इसकी टेल कटी हुई है, तो यही रीजन था क्योंकि इसी तरह ये हाइडिंग प्लेस के अंदर घुस रहा था। और ये शायद मेरे से डर रहा है क्योंकि हमने अलग कलर का स्वेटशर्ट पहना हुआ है, बिल्कुल ऑरेंज कलर का, तो फर्स्ट टाइम में न्यू है जिस वजह से शायद हो सकता हो हमारा अरवाना डर रहा हो। देख सकते हो काफी ज्यादा मतलब डर रहा है। एंड इस तरफ आ चुके हैं हमारे फायर रेड ओस्कर्स, जो कि आप देख सकते हो एक पेयर है मेल एंड फीमेल का, बट अभी काफी ज्यादा छोटे हैं तो आपस में करते रहते हैं काफी ज्यादा फाइट, जैसे कि आप इनकी हालत देख के पता कर ही सकते हो। तो हमारे दूसरे फिशेस पे तो अटैक नहीं करते, आपस में काफी ज्यादा लड़ते रहते हैं। एंड लाइट अभी आई है जिस वजह से आप हमारे सारी के सारी सिकलेट्स का हाल देख सकते हो, हमारे पैरेट्स हमारे उसके सारे के सारे बॉटम में पड़े हुए हैं क्योंकि पानी हो चुका था काफी ज्यादा ठंडा। मैं वॉर्म वाटर भी यहाँ पे ऐड कर रहा था बट भाई इनको इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ा क्योंकि ज्यादा हम वाटर चेंज नहीं कर सकते। एंड इस तरफ आप देख सकते हो हमारा टाइगर ओस्कर फिश एंड उसी के साथ हमारा एल्बाइनो पाकू फिश, तो इनको भी थोड़ा सा ठंडे पानी से फर्क पड़ चुका है, तो इतने ज्यादा एक्टिव हमारे आपको कोई भी फिश यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा। देख सकते हो हमारे सिल्वर डॉलर जो है ये थोड़े से एक्टिव दिख रहे हैं। एंड हमारी अरवाना भी थोड़ा सा डर रही है, थोड़ा सा वाटर ठंडा होने की वजह से ये भी बॉटम में बैठ रही है। तो चलिए इनको छोड़ते हैं यहाँ पे, इनका अपडेट मैं आपको कल दे दूंगा वाटर चेंज करने के बाद। एंड अब आपको लेके चलते हैं हमारे न्यू ओस्कर टैंक सेटअप की तरफ, वहां का भी आपको अपडेट देते हैं। तो ये रहा भाई हमारा गोल्ड फिश टैंक सेटअप। एंड मैं आपको बता दूं कल हमें भाई ने एक्चुअली कमेंट किया था कि ये आपके फीडर गोल्ड फिश है, तो मैं आपको बता दूं कि ये हमारे सारे के सारे जितने भी आपको गोल्ड फिश दिख रहे हैं ये सारे हमारे फीडर गोल्ड फिश हैं। यहाँ पे सिर्फ एक हमारा रेंचो गोल्ड फिश है जो कि डिफरेंट वेराइटी का है, फीडर गोल्ड फिश नहीं है, जो कि आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा छोटा सा है। एंड बाकी हमारे सारे के सारे यहाँ पे जितने भी फिश हैं सारे के सारे फीडर गोल्ड फिश हैं, काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो चुके हैं बट अब तो इनकी फीडिंग नहीं करवा सकते। एंड इस तरफ आप देख सकते हो तो ये आ चुकी है हमारी ब्लू टेल अरवाना फिश, जो कि इसका बैली साइज भी आप देख सकते हो काफ़ी अच्छे से फीड करता है यहाँ पे, काफ़ी अच्छे से हमारे गोल्ड फिशेस के साथ यहाँ पे रह रहा है काफ़ी लंबे टाइम से। एंड बाकी आप देख ही सकते हो यार हमारा इस टैंक सेटअप को करने वाले हैं फाइनली हमारे ओस्कर फिश टैंक सेटअप। तो मैं यहाँ से सारे के सारे हमारे गोल्ड फिश निकालने वाला हूँ, इनको करने वाला हूँ पॉन्ड में शिफ्ट। एंड यहाँ पे हमारे डिफरेंट वेराइटीज़ के ओस्कर फिश आने वाले हैं। एंड ये है हमारा एक छोटा सा डिफरेंट वेराइटी का गोल्ड फिश जो कि आप देख सकते हो रेंचो गोल्ड फिश है, बस यही है एक थोड़ा सा अच्छा यहाँ पे। एंड बाकी हमारे सारे फीडर गोल्ड फिश हैं। तो भाई आपने हमें कमेंट करके बता देना कि आप यहाँ पे ओस्कर फिश टैंक सेटअप देखना चाहते हो या नहीं देखना चाहते हो। और ये मैं इसलिए इस टैंक सेटअप को कर रहा हूँ हमारे ओस्कर फिश टैंक सेटअप के लिए क्योंकि हमारे यहाँ पे इतने बड़े फिश नहीं मिलते, बाहर से भी मंगवाता हूँ बट इतने ज़्यादा बड़े फिश नहीं मिलते हैं, तो जिस वजह से हम यहाँ पे छोटे ओस्कर ऐड करने वाले हैं। जिस तरह आपने हमारे मोस्टर टैंक में देखे होंगे उसी तरह के हम यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ ओस्कर यहाँ पे हम ऐड करने वाले हैं, तो उसका अपडेट मैं आपको काफ़ी जल्दी दे दूंगा। फर्स्ट हम इनको यहाँ से करने वाले हैं सारे के सारे गोल्ड फिशेस को शिफ्ट। एंड अब चलते हैं आपको हमारे दूसरे टैंक का अपडेट देते हैं। तो इस तरफ आ चुका है हमारा मैग्मा फ्लावर हॉर्न फिश एंड इसका हेड साइज आप देख सकते हो थोड़ा सा अब ज़्यादा बड़ा आपको दिख रहा होगा पहले से। एंड थोड़ा सा यहाँ पे लाइट जा चुकी थी, काफ़ी ज़्यादा बारिश का मौसम था जिस वजह से थोड़ा सा पानी ठंडा हो चुका था, जिस वजह से इतना ज़्यादा इसका हेड बड़ा नहीं हो पाया है, बट फिर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी ग्रोथ हुई है कुछ ही दिनों के अंदर, आप देख ही पा रहे होंगे तो काफ़ी अच्छे से गेन कर लेता है, हमें इसकी ज़्यादा फिक्र नहीं रहती है, बस इसे हमें अच्छी डाइट एंड अच्छे वाटर के साथ हमें इसको यहाँ पर रखना पड़ता है। एंड आप देख सकते हो कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल, कितना ज़्यादा हेल्दी हमारा अरवाना फिश है। तो चलिए अब आपको हमारे टर्टल्स का भी अपडेट देते हैं साथ ही में। तो इस तरफ हमारे रेड एयर स्लाइडेड टर्टल्स का पेयर जो कि आप देख सकते हो, सॉरी पेयर नहीं है, दोनों हमारी फीमेल्स हैं। एंड एक को हमारी को फीमेल को दिक्कत आ चुकी है आप यहाँ पे देख सकते हो, इसकी आईज दोनों अब स्वेल हो यहाँ पे शुरू हो चुकी हैं, तो एक आई तो इसकी बिल्कुल बंद हो चुकी है एंड स्वेलिंग आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा हो रही है। एंड दूसरी थोड़ी सी हल्की सी खुल रही है बट इतनी ज़्यादा उसमें भी दिक्कत है, तो जिस वजह से इतना अच्छे से ये देख नहीं पा रही है, फीडिंग वगैरह कर रही है अच्छे से। एंड दूसरी फीमेल जो है हमारी ये तो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है एंड इसका साइज़ भी आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तो यही दो फीमेल्स हैं हमारी अभी हमारे पास, एंड मेल दिखते हैं कब तक हमें यहाँ पे अवेलेबल होता है क्योंकि आपको मैंने जैसे बता ही दिया है कि यहाँ पे कुछ भी मिलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, काफ़ी ज़्यादा दूर से हमें चीज़ें लाने पड़ती हैं। एंड उसी के साथ अब आपको हमारे कोई पॉन्ड का भी अपडेट देता हूँ। तो कोई पॉन्ड हमारा आप देख सकते हो इसका वाटर सारा का सारा निकल चुका था बाहर, एक्चुअली इसका जो फिल्ट्रेशन पाइप है वो आ जाता है कई बार बाहर, तो जिस वजह से सारा का सारा पॉन्ड का पानी निकल जाता है बाहर।
तो ये काफी ज्यादा रिस्क वाला काम है हमारे फिश के लिए, क्योंकि कभी अगर हमारे ना होते हुए ऐसा हो जाए तो हमारे सारे के सारे फिश की डेथ हो सकती है यहाँ पे। एंड इस तरफ देख ही सकते हो यार हमारा कोई फिश पॉन्ड कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है, आपने हमें कमेंट करके बताए देना है। एंड सबसे ज़्यादा हमारा मेन यहाँ पे फिश जो है वो है हमारा भाई गोल्ड फिश, मैं गोल्ड फिश बोल रहा हूँ इसको, हमारा मिल्की कोई काप जो कि मेल है। एंड इस तरफ आप देख सकते हो तो ये हैं हमारे शार्क फिश, तो एक एल्बाइनो शार्क भी लेकर आया था बट वो यहाँ पे एडजस्ट नहीं कर पाई, बाहर से लाया था, काफ़ी ज़्यादा दूर से लाया था जिस वजह से उसको यहाँ पे इतनी अच्छे से एडजस्ट वो खुद को नहीं कर पाई एंड वो उसकी हो चुकी है डेथ। एंड बाकी आप दूसरे जो हमारे पहले वाले फिश हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं, वो काफ़ी अच्छे से अब यहाँ पे सर्वाइव करते हैं, काफ़ी अच्छे से यहाँ पे रहते हैं। एंड आप देख ही सकते हो यार कितने ज़्यादा एक्टिव है हमारे सारे के सारे फिश। एंड इन्हीं के साथ हमारा एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा कोई फिश जो आपको दिख रहा है, तो ये हमारा इंडियन ब्रीड कोई है, तो ये जैपनीज कोई नहीं है। जो हमारे दूसरे आपको तीन फिश दिख रहे हैं ये हमारे जैपनीज हैं एंड ये हमारे इंडियन ब्रीड है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका है। मैं इतना ही बड़ा लाया था, हमारे पास भी था पहले इतना बड़ा बट उसकी भी भाई डेथ हो चुकी थी, और उसकी डेथ हुई थी शायद उसने जंप आउट कर दिया था हमारे कोई पॉइंट से बाहर, शायद नहीं पक्का कंफर्म, उसने जंप आउट किया था एंड जिस वजह से उसकी हो चुकी थी डेथ, क्योंकि पूरी रात वो बाहर पड़ा रहा था एंड सुबह तक तो भाई डेथ होनी थी। तो चलिए फिर आज के हम वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड वीडियो कैसी लगी आपने हमें कमेंट करके जरूर से बताना है, एंड न्यू उसका टैंक सेटअप के बारे में भी आपने कमेंट जरूर से करना है। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।